चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण कक्ष को एक ही दिन में दो विवाह रोकने में मिली सफलता। चाइल्ड हेल्पलाइन एवं जिला बाल संरक्षण कक्ष ने पालकों की काउंसलिंग से एक ही दिन में दो बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की। विदित रहे कि इस यंत्रणा ने इस साल जीवती तहसील में 5 बाल विवाह रोके हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 इस पर जीवती तहसील के गांव में हो रहे बाल विवाह की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी चंद्रपुर और जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई शुरू की गई। प्रथमतः सहायक संरक्षण अधिकारी परवीन शेख, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की मदद से दोनों लड़कियों के नाबालिग होने का सबूत प्राप्त किया गया। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण सेल के कर्मचारी उस गांव में पहुंचे जहां बाल विवाह हो रहा था और ग्रामीण बाल संरक्षण समिति के सदस्यों की मदद से दोनों बाल विवाह रोके गए। दोनों नाबालिग लड़कियों के परिजनों से शपथ पत्र लिखवाया गया कि वे बाल विवाह नहीं करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी दीपक बनाई, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय साकरकर, चाइल्ड हेल्पलाइन के अभिषेक मोहुरले, परियोजना समन्वयक प्रदीप पैरागड़े, पर्यवेक्षक अंकुश उराड़े, किरण बोहरा और जिला बाल संरक्षण के हर्ष वराटे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ सर, बाल विवाह हा आपल्या जिल्ह्यामधला किंवा महाराष्ट्रामधलाच एक गंभीर प्रश्न आहे। आम्ही दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी, खास करून अक्षय तृतीये सारख्या दिवशी जिथं मोठ्या प्रमाणामध्ये बालविवाह संपन्न होत असतात, त्यासाठी आमची सगळी यंत्रणा यावर्षी सतर्क होती। खास करून चाइल्डलाइन असेल, DCPU असेल आणि जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय यांनी एकत्रित नियोजन करून या दिवशी कोणतेही बाल विवाह होणार नाही किंवा त्यानंतर किंवा आधी सुद्धा बाल विवाह होणार नाही यासाठी आम्ही दक्ष होतो। आणि त्या दक्षतेचा फायदा असा झालाय की जिल्ह्यातील या कालावधीमध्ये आपण 8 बाल विवाह थांबवण्यात यशस्वी झालेलो आहोत। यामध्ये पोलिसांची मदत, बालकल्याण समितीची मदत, चाइल्डलाइन आणि DCPU या सगळ्यांच्या मदतीने आपण यावर्षी 8 बाल विवाह यशस्वीपणे थांबवलेले आहे।